माया मेम साहब की मायावी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। माया का साजिशी दिमाग बुन रहा है एक जाल, एक ऐसा जाल जिसमें अर्जुन और सांझ के साथ साथ उनका होने वाला बच्चा भी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्द माया बनने वाली है अर्जुन और सांझ के होने वाले बच्चे की माँ, क्योंकि माया सैरोगेसी की मदद से अर्जुन के बच्चे को जन्म देंगी और अपना बदला अर्जुन और सांझ के बच्चे के जरिए पूरा करेगी। उसका हमेशा से एक ही प्लान रहा है कि वो कैसे अर्जुन को अपने पास रखे, और अभी जो भी वो करेगी वो उसी इंटेंशन से करेगी। अब उसे आई थिंक द थिन लाइन फॉर हर बिटवीन सही एंड गलत हैज फिनिश नाउ, बिकॉज उसने सब कुछ कोशिश कर ली बट कोई भी उसका तरीका अभी तक काम नहीं आया है। बट अभी आई थिंक या तो तरीका काम आएगा या तो वो मर जाएगी। दरअसल अर्जुन और सांझ ने फैसला किया है कि वो बच्चे के लिए सैरोगेसी का सहारा लेंगे, लेकिन अचानक उनके बच्चे की सैरोगेट माँ अर्जुन को यहाँ मिल जाती है। अपने दोस्त के साथ बाइक से जाते हुए हो जाता है उसका एक्सीडेंट और अर्जुन उसे देख लेता है। हॉस्पिटल में ना होकर ये सैरोगेट मदर बाइक से घूम रही है, क्योंकि इसकी जगह ले ली है माया ने। जी हाँ, माया अपनी चाल चलकर इसे हटाकर खुद बन जाती है अर्जुन और सांझ के बच्चे की सरोगेट मदर। माया कुछ करे बिना तो रहेंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये सरोगेसी का जो एंगल हम लेकर आए हैं उसमें कुछ ना कुछ तो है। तो चलिए, देखना यह है कि माया अर्जुन और सांझ के इस बच्चे को इस दुनिया में ला पाती है या नहीं, या एक बार फिर अर्जुन और सांझ की जिंदगी में माया का साया और ज्यादा गहराता है, या फिर माया नाम की पनौती अर्जुन और सांझ के साथ यूं ही कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। आज तक भी और